हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो सेकंड एमसीक्यूज की क्लास है और इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है आपकी एमसीक्यू की, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉर्मल एमसीक्यूज है, जो कि आपके सभी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी सेकेंड क्लास रहेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके पास में एक घंटी जैसा आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन, यानी कि जैसे ही कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है HCN एल्केलॉइड फाउंड इन क्रॉप। जो HCN जो एल्केलॉइड है वो एल्केलॉइड कौन सी क्रॉप में पाया जाता है, ठीक है, कौन सी क्रॉप में पाया जाता है। आपको पता होगा ये HCN, आपने पढ़ा होगा कि HCN की जो मात्रा होती है वो अगर ज़्यादा होती है तो उससे क्या होती है, जो एनिमल्स वगैरह होती हैं उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कब ज़्यादा होती है HCN की मात्रा, HCN की परसेंटेज जो है वो जब ये छोटा होता है, मतलब ये छोटी स्टेज के अंदर, ज्वार की जो छोटी स्टेज होती है ना उस टाइम में, ठीक है, उस टाइम में HCN की क्या होती है, ज़्यादा होती है परसेंटेज। और उस टाइम में अगर हम पशुओं को हरा चारा डालते हैं तो क्या होगा, पशुओं की डेथ भी हो सकती है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है बाजरा, ज्वार, वीट या फिर राइस। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, ज्वार। HCN किस में पाया जाता है, ज्वार के अंदर। इसीलिए ज्वार को छोटी स्टेज में पशुओं को नहीं दिया जाता। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाईएस्ट सोइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया जो है, भारत जो है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा सोइल का ग्रुप है जो पाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है एल्यूवियल सोइल या फिर फॉरेस्ट सोइल या बल्क सोइल या फिर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा है, एल्यूवियल सोइल है। एल्यूवियल ग्रुप जो है, एल्यूवियल सोइल जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe यानी कि जो आयरन है वो जो फेरस सल्फेट है उसके अंदर, यानी फेरस सल्फेट के अंदर आयरन की परसेंटेज कितनी होती है। तो आयरन की परसेंटेज फेरस सल्फेट के अंदर कितनी होती है, आपको दिया गया 21%, 14% या 19% या फिर 25%। तो आपका राइट आंसर क्या है, 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन परसेंटेज इन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो होता है, अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइज़र है, इसके अंदर ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, ऑप्शन दिया गया 20%, 16%, 46%, 21%। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, आपका 21%। कन्फ्यूज़ नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसमें कितना पाया जाता है, यानी कि ऐसे पूछ लेगा यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना पाया जाता है या अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, जिप्सम के अंदर कैल्शियम कितना पाया जाता है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन ड्वार्फ राइस वेराइटी इज़ जया इन। तो इसका क्या है, ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट इंडियन ड्वार्फ वेराइटी है, इंडिया के अंदर जो ड्वार्फ बोनी वेराइटी जो राइस की डेवलप की गई थी, कौन सी, जया। इंडिया की बात कर रहा है, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा। तो जो जया है ना वो कौन से ईयर के अंदर डेवलप की गई थी, ये पूछ रहा है। तो आपको अलग अलग ईयर दिए गए हैं, यानी कि 1960 या फिर 86 या फिर 68 या फिर पूरा 19। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, 68। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूषा रूबी जो है वो किसकी वैरायटी है। पूषा रूबी किसकी वैरायटी है, पोटैटो और टोमेटो में कंफ्यूज होते हैं। तो पोटैटो और टोमेटो में कंफ्यूज नहीं होना, पूषा रूबी किसकी वैरायटी है, पूषा रूबी टोमेटो की यानी कि टमाटर की वैरायटी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। लाइसिन जो कि क्या है, एक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो लाइसिन जो है वो उसकी कमी जो है वो कौन से ग्रुप के अंदर पाई जाती है, लाइसिन की डेफिशिएंसी, लाइसिन जो है वो डेफिशिएंट किसके अंदर होता है, ये पूछ रहा है। तो लेग्यूम्स के अंदर होता है। लेग्यूम्स क्या होती हैं, जैसे कि ग्राम, मोट, ये सभी जितनी भी पल्सेस है ये सभी किस में आती हैं, लेग्यूम्स में आती हैं। सीरियल्स के अंदर क्या है, जो वीट, जितनी भी खाद्य फसलें हैं जैसे कि वीट हुआ, राइस हुई, बाजरा, ये सब किस में आती हैं, सीरियल्स में आते हैं। फोडर क्रॉप में आपका जई, ये जितनी भी है फोडर क्रॉप, चारे वाली फसलें हैं वो सब फोडर क्रॉप में आती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, लाइसिन की डेफिशिएंसी किस में पाई जाती है, सीरियल्स में पाई जाती है, याद रखना, ठीक है।
खाद्य फसलों में पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए वीट हुआ, राइस हुआ, मीस हुआ, ये सब क्या है, सीरियल्स है। उसके बाद में है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन जिप्सम, इस जिप्सम के अंदर जो कैल्शियम की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है। तो आपके पास ऑप्शन है 20% या फिर 24% या 30% या 42%। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 24%। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जिप्सम में कैल्शियम की परसेंटेज कितनी होती है। ये सी और स्मॉल ए लिखा जाना था, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका कितना है, 24% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्योलियोनाइट है वो इज़ ए लेयर सिलिकेट, ठीक है। तो ये सिलिकेट, ये जो लेयर पूछ रहा है कि किस रेशियो की लेयर से जो है केलियोनाइट बना है, तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो पहला है 1:2 टाइप की, या फिर 1:1 टाइप की, या फिर 2:1 टाइप की, या फिर 2:2 टाइप की। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1:1 यानी कि 1:1 टाइप की मिनरल से क्या बना है, केलियोनाइट। उसके बाद में है विल्ट डिजीज इज ए, विल्ट जो डिजीज होती है, जो रोग होता है विल्ट, ये पूछ रहा है कि किस टाइप का है, सोइल बोन यानी कि सोइल से होने वाला है, यानी कि मिट्टी से फैलने वाला रोग है, या फिर प्लांट बोन यानी कि प्लांट से होने वाला रोग है, या फिर ईयर बोन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है, सोइल बोन है, मिट्टी से होने वाला है। जैसे कि इस ईयर हमने कोई फसल लगाई उसमें विल्ट था, तो इस फसल को जब हम कट कर लेते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो उस क्रॉप में विल्ट होने का डर रहता है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर पड़ी रहती है, ठीक है, और उससे क्या होती है, न्यू क्रॉप्स के अंदर लग जाती है। तो इसीलिए ये क्या है, सोइल बोन यानी कि मिट्टी से फैलने वाला रोग है। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, आपको लगा हो कि MCQs आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे थे, तो आप प्लीज़ मुझे अपनी वैल्यूएबल कमेंट जरूर देना वीडियो में, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड क्लासेस चाहिए। एंड रेगुलर बनी रहिए, ऐसे ही बहुत से MCQs की क्लासेस आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।